एक कहानी जानते हैं कथा उपनिषद की, जिससे आपको पता चलेगा कि अध्यात्म कैसे अनलॉक होता है। एक बीमार बाप होता है जो कि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अपनी संपत्ति दान कर रहा होता है। उसका बेटा पास खड़ा देख रहा होता है। उसका पिता बोलता है कि सारी गाय दान कर दो जो कि दूध नहीं देती। बेटा खड़े खड़े सोच रहा होता है कि मेरे पापा को स्वर्ग चाहिए, तो क्या ऐसे दान से स्वर्ग मिल पाएगा जिस दान में पूरी श्रद्धा ही नहीं है। तो बेटा नचिकेतन बोलता है कि पापा आपकी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, मैं हूँ ना। तो उसके पापा चिढ़कर जवाब देते कि हाँ। तो वो बोलता है कि अगर आप अपनी सारी संपत्ति दान कर ही रहे हैं तो आपको अपनी सबसे प्रिय संपत्ति मुझे दान करना चाहिए, आप ये सब क्या दान कर रहे हैं। उसके पापा कोई जवाब नहीं देते। वो ये बात वापस दोहराता है, उसे वापस से कोई जवाब नहीं देता। वो ये बात वापस दोहराता है और उसके पापा चिढ़कर वापस बोलते हैं कि जा मैं तुझे यमराज को दान देता हूँ। और पहले के लोगों की जुबान की कीमत बहुत होती थी, तो अब उसके पापा ये बोल चुके हैं और नचिकेतन भी समझ चुका है कि अब पापा ने ये बोल दिया तो अब वो मुकरेंगे नहीं इस बात से। तो नचिकेतन पापा को बोलता है कि हाँ मुझे आप यमराज को दान दीजिए। बेटा चाहता है कि मेरे पापा को स्वर्ग मिले और इस दान से तो नहीं मिलेगा, तो अगर मैं ही दान हो जाऊँ तो कम से कम मेरे पापा का तो भला होगा। तो बेटा यमराज के पास जाता है। यमराज बाहर होता है तो नचिकेतन यमराज के घर के बाहर 3 दिन बिना खाए पिए खड़ा रहता है कि उसे यमराज से मिलना है। जब यमराज मिलते हैं तो वो ये भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं कि जाओ पहले इसके पैर धोने के लिए पानी लेके आओ, हमारे घर पे एक मेहमान आया है। जैसे कि हमारे कल्चर में मेहमानों को भगवान का रूप दिया जाता है, इसीलिए प्रसन्न होकर उन्होंने पानी मंगाया कि मैं इनके चरण धोऊंगा, ये हमारे मेहमान हैं, हम इनकी जितनी सेवा कर सकते हैं करेंगे। और खुशी में वो उन्हें 3 वरदान देते हैं। पहले वरदान में नचिकेतन फायर सेक्रीफाइस की नॉलेज मांगता है, यमराज उसे दे देते हैं। दूसरे वरदान में वो पूछता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, तो यमराज उसे बताते हैं कि मृत्यु के बाद ऐसे कोई अलग अलग लोक नहीं है। मृत्यु के बाद या तो मोक्ष मिलता है या फिर आत्मा एक जीव से दूसरे जीव में बस भटकती रहती है। और तीसरे वरदान में नचिकेतन कुछ ऐसा पूछ लेता है जो किसी आम इंसान को बताना वर्जित था, यानी यमराज किसी आम इंसान को बात नहीं बता सकते थे। वो पूछता है कि इस ब्रह्मांड का सच क्या है, इस आत्मा, इस ब्रह्मांड, पुरुष और सबसे ऊपर क्या है। तो उसका टेस्ट लेने के लिए यमराज बोलते हैं कि ये तुम क्या जानना चाह रहे हो, तुम मुझसे धन मांग लो, दौलत मांग लो, जितनी चाहे उतनी गाय मांग लो, जितनी चाहे उतनी ज़मीन मांग लो, जितनी चाहे उतनी अप्सराएं मांग लो, पर ये जान के तुम क्या करोगे, तुम तो वैसे भी मरने वाले हो। ये सुन के नचिकेतन बोलता है कि नहीं, ये सब लेके मैं क्या करूँगा, जब मृत्यु ही सत्य है और ये सब रहेगा ही नहीं, इनका सुख कितनी देर रहेगा, पर ये मुझे जो ज्ञान मिलेगा वो मेरे पास हमेशा रहेगा। तो वापस से यमराज टेस्ट लेने के लिए पूछते हैं कि तुम सारी दौलत, धन, स्वर्ग सब कुछ मांग सकते हो, जो चाहो वो मांग सकते हो, पर ये ज्ञान हर किसी को बताना संभव नहीं है। तो नचिकेतन बोलता है कि फिर तो मुझे यही जानना है, जब ये ज्ञान हर कोई नहीं जान सकता तो वो ज्ञान मुझे जानना। तो यमराज बताते हैं कि लोग टेम्पररी प्लेजर्स में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, लोगों को क्षणिक भर का सुख इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि लोग सिर्फ उसी में इंडल्ज होके रह जाते हैं, वो सुख उन्हें मिलता है, वो सुख को कंज्यूम करते हैं, वो भूल जाते हैं, फिर उन्हें वापस वो सुख चाहिए होता है, वापस उसे कंज्यूम करते हैं, वापस भूल जाते हैं। पर असली सुख तो वो है जो हमें लिबरेट कर दे, मोक्ष दिला दे। दोस्तों आज हम कुछ उपनिषदों की मदद से जानेंगे कि अपने अंदर का अध्यात्म कैसे जगाया जाए, हाउ टू अनलॉक योर स्पिरिचुअल पोटेंशियल। अपना स्पिरिचुअल पोटेंशियल अनलॉक करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें मालूम होनी चाहिए वो है कि जर्नी ही हमारी डेस्टिनेशन है, जो पाथ है वो पाथ ही हमारी डेस्टिनेशन है। हमारी डेस्टिनेशन कहीं पे पहुंचना नहीं, हमारी डेस्टिनेशन राह पर चलते रहना है। आप कहीं पहुंचने के लिए राह पे चल रहे हैं तो आप एक विनर हैं। आप लूजर तब बनते हैं जब आप डेस्टिनेशन का सोच के राह पे चलना ही छोड़ देते हैं। और अल्टीमेट ट्रुथ जानने के लिए कोई 3 मार्ग से जा सकता है, एक है ज्ञान मार्ग, एक है कर्म मार्ग, एक है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग यानी इन सारी चीज़ों का ज्ञान लेना, तो जो मार्ग आपको अच्छा लगे आप वो फॉलो कर सकते हैं अगर आपको आध्यात्मिक होना है। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है ये जान के कि हमें आध्यात्मिक कैसे बनूं, तो इन 3 में से कोई भी बात लीजिए, आप ज्ञान इकट्ठा करिए। ज्ञान से आप अपने अंदर की डार्कनेस को
लाइटन अप कर सकते हैं, ज्ञान वो लाइट। दूसरा मार्ग कर्मयोग। कर्मयोग जो मैंने बताया कि आपको कहीं पहुंचना है तो आपकी पूरी जर्नी आपकी डेस्टिनेशन ही है, उसको कहते हैं कर्मयोग। यानी आप कर्म करते रहिए और पीसफुली वो कर्म करते रहिए, जानते हुए ये कर्म करते रहिए कि आप हमेशा उस डेस्टिनेशन पे हैं। क्यों? क्योंकि आप उस जर्नी में हमेशा चल रहे हैं। तीसरा है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में आप भगवान का नाम जप करके भगवान के पास पहुंच सकते हैं। भगवान के पास पहुंचने का मतलब ये नहीं कि आपको स्वर्ग मिल जाएगा, नर्क मिल जाएगा, नहीं। भगवान के पास पहुंचने का मतलब आपको मोक्ष मिल जाएगा। आपके जीवन मरण के चक्कर से मुक्त होके भगवान की ही आत्मा में वापस मिल जाएंगे। हालांकि आप भगवान की आत्मा के ही अंश हैं, पर आपको भगवान ने किसी शरीर में छोड़ा हुआ है। आप इस शरीर से मुक्त होके भगवान की जो खुद की आत्मा है उसमें मिल जाएंगे। यानी कि वो तीन मार्ग जो मैंने आपको बताए थे, भजन मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, इनमें से कोई एक मार्ग फॉलो करके अपनी जर्नी को ही डेस्टिनेशन मान के मोक्ष प्राप्त करना, ये है सबसे बड़ा सूत्र। जो कि आत्मा पुरुष सबसे ऊपर, और हम आत्मा की उस वननेस को फील कर लेंगे या समझ भी जाएंगे तो उससे ऊपर कुछ भी नहीं। अगर हम समझ जाएंगे कि हम सबकी आत्माएं एक है, ऐसा नहीं कि हम अलग हैं। हम किसी को दुख पहुंचाते हैं तो हमें भी दुख होता है, हम किसी को मदद करते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा एक है। इसीलिए आत्मा की सच्चाई यमराज नचिकेतन को बताते हैं और इस कन्वर्सेशन के थ्रू हमें भी पता चलता है। सबसे पहले मैं कुछ ज़रूरी उपनिषदों के नाम बताता हूँ और बताता हूँ उन उपनिषदों से हम क्या सीखेंगे आज। कथा उपनिषद। कथा उपनिषद में हम नचिकेतन की कहानी से सीखेंगे कि मरने के बाद क्या होता है। और उसके बाद सबसे पहले ईशा उपनिषद। ईशा उपनिषद से सीखेंगे हम आत्मा और आत्मन के बारे में। उसके बाद मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद से हम सीखेंगे कि ओम, जो कि आ, ओ और माँ से मिलकर बना है, उस ओम में कितनी शक्ति है। और उसके बाद केन उपनिषद से हम सीखेंगे कि ये आत्मा और ब्रह्मांड कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ईशा उपनिषद क्या कहता है? ईशा उपनिषद कहता है कि हम सबके अंदर जो आत्मा है वो आत्मा सिर्फ एक है। हम सब सोचते हैं कि हमारे बहुत सारे शरीर हैं, बहुत सारी आत्माएं हैं और सारी आत्माओं को मिला के ये ब्रह्मांड बना हुआ है, पर ऐसा नहीं है। इस ब्रह्मांड में सिर्फ एक आत्मा है और वो आत्मा है ईश्वर की। और उस ईश्वर की आत्मा से हम सबकी आत्माएं बनी हुई हैं। वो एक आत्मा है जिस आत्मा ने हर शरीर को अपना एक हिस्सा दे रखा है, और वो आत्मा जितना चाहे उतना एक्सपेंड कर सकती है इस धरती पर। बल्कि इस धरती पर ही नहीं, इस ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। उन सारी गैलेक्सीज में जिस प्लेनेट पर चाहे उस प्लेनेट पर अपनी आत्मा का अंश डाल सकती है, जहाँ चाहे वहाँ लाइफ जनरेट कर सकती है। इसीलिए कितनी भी कोशिश करने के बाद लाइफ लैब्स में नहीं जनरेट हो सकती। लाइफ एक नेचुरल फिनोमिना है जो कि सिर्फ भगवान क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए ईशा उपनिषद में कहा है कि अगर आपको अध्यात्म की तरफ बढ़ना है आप डिटैच हो जाइए। डिटैच मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप अपने साथ कुछ ले जा सकते हैं, आप अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकते। आपका मोह, ममता, प्यार, दुश्मनी, धन दौलत सब यहीं रखा रह जाएगा। आपके साथ क्या जाएगा? आपके साथ जाएगा आपका पीस। अगर आप अपना पीस रखते हैं और काम करते रहते हैं तो आप अगर आज भी मर जाएं तो भी आपको दुख नहीं होगा। पर आप किसी चीज़ से अटैच्ड हैं तो आप जो जो सब करना चाहते थे वो सब करने के बाद भी मरने पर बहुत दुखी होंगे। इस उपनिषद में कहा गया है कि प्रकृति पुरुष के लिए बनी है, पुरुष प्रकृति के लिए नहीं बना। पुरुष जो कि परमानेंट है, जैसे कि भगवान की आत्मा जिसके हम अंश हैं, वो आत्मा इस नेचर जो कि टेम्पररी है उसके लिए नहीं बना, इस आत्मा के लिए ये नेचर बना है। तो हम इस नेचर में इतना इंडल्ज ना हो जाए, अपने आसपास की चीज़ों से इतना अटैच ना हो जाए कि हम ये भूल जाएं कि हम इन चीज़ों के लिए नहीं बने, ये चीज़ें हमारे लिए बनी हैं। अब जानते हैं कि केन उपनिषद में क्या लिखा है और उससे हम कैसे और आध्यात्मिक या कहें कि मोक्ष की तरफ बढ़ सकते हैं। केन उपनिषद में इंक्वायरी के रोल को, यानी कि हर चीज़ को सोच समझ और प्रश्न उत्तर कर समझना चाहिए, इसकी ज़रूरत को बताया गया है। और बताया गया है कि ये आत्मा जो है वो ब्रह्मांड से अलग नहीं है। आत्मा और ब्रह्मांड दोनों जुड़े हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भगवान की आत्मा के ही हम सब अंश हैं, और ये दुनिया, ये ब्रह्मांड किसका है? ये भी भगवान का ही है।
तो ये पूरी दुनिया भगवान का ही एक रूप है। उसमें जिन लोगों के पास जीवन है उनके अंदर आत्मा है, वो भी भगवान की ही आत्मा है। तो पूरा ब्रह्मांड एक ही है, ये बताया गया है केन उपनिषद में। और ये जानने के बाद कि पूरा ब्रह्मांड एक ही है, तो आपको क्या लगता है, आपको कभी दुख होगा अगर आप कुछ खोएंगे? क्योंकि आपने क्या खोया, जो भी है इस ब्रह्मांड में ही है। आपने क्या पाया, जो भी है इस ब्रह्मांड में ही। और इसका मतलब ये नहीं कि आप पाना और खोना छोड़ दें, क्योंकि आपको जीवन मिला है तो आपको उस जर्नी पर तो चलते रहना है। अगर आप उस जर्नी पर ही नहीं चलोगे तो ज़रूर आपने कुछ खोया है। और वो चीज़ जो आपने खोई है वो है मोक्ष का रास्ता, वो चीज़ जो आपने खोई है वो है समझ। और वो समझ खोने के बाद आप इसी चक्कर में फंस जाएंगे कि नहीं मैं कुछ नहीं करता हूँ, अगर कुछ होगा ही नहीं, अगर कुछ है ही नहीं, सब कुछ एक है तो मैं कुछ करके क्या कर लूँगा। ये सोच भी विनाशकाली है, यानी डिस्ट्रक्टिव। इस उपनिषद में बताया गया है कि डिवोट होकर, भगवान को पूरा डिवोट करके खुद को कैसे आप अल्टीमेट नॉलेज पाते हैं। जैसे कि बुद्धा थे, बुद्धा ने अपने अंदर क्या देखा, बुद्धा ने अपने अंदर ब्रह्मांड देखा। बुद्धा चाहते तो कहीं जाके पढ़ाई करना शुरू कर देते और वहाँ उन्हें बहुत सारा ज्ञान मिल जाता, पर उन्हें वो ज्ञान कहाँ मिला, बोधि ट्री के नीचे बैठ के, बोध गया में बोधि ट्री के नीचे बैठ के जब वो शांति से अपने अंदर झांकते रहे, यानी मेडिटेट करते रहे। मेडिटेशन का मतलब शांत हो जाना नहीं, मेडिटेशन के अंदर अपने अंदर देखना है कि ये जो आत्मा है जो ईश्वर का ही पार्ट है, वो ईश्वर जब मैं अपने अंदर देख सकता हूँ तो मुझे बाहर ढूंढने की क्या ज़रूरत है। तो जब उन्होंने वो ईश्वर अपने अंदर देखा तो उन्हें वो ज्ञान मिला, और वो ज्ञान पाने के बाद उन्होंने वो ज्ञान सब में बांटा। तो केन उपनिषद सिखाता है कि कैसे आप इंक्वायर करके, चीज़ों को और समझने की कोशिश करके और अपने अंदर झांक के अपने आप को भगवान को समर्पित करके, समर्पण श्रद्धा से। ऐसे नहीं कि समर्पण अगर किसी ने बोल दिया उपनिषद में लिखा है इसलिए समर्पण, नहीं, श्रद्धा से। जैसे कि मैंने बोला था श्रद्धा कब आती है, जब आप उसे इंक्वायर करते हो और इंक्वायर करने के बाद आपको पता चलता है कि नहीं ये बात सच है। वो जानने के बाद अगर आप डिवोट कर देंगे तो आप मोक्ष की राह पर, यानी अध्यात्म की राह पर आगे निकल जाएंगे। और अक्सर हमें बताया जाता है कि हमें मेडिटेट करते टाइम ओम बोलना चाहिए, तो ये क्यों कहा जाता है, ये मुंडक उपनिषद में साफ साफ लिखा गया है, बताया गया है कि ओम से ऊंचा कोई स्वर ही नहीं। क्योंकि जब ओम स्टार्ट होता है, ओम में जो पहला स्वर है आ का स्वर मुंह खोलने से स्टार्ट होता है और माँ का स्वर मुंह बंद करने पर ख़त्म होता है। आ का अर्थ है कि आप अवेयर हैं, आ का अर्थ है कि आप जागृत हैं, और आपको अपने आसपास की सारी फिजिकल वर्ल्ड की नॉलेज है कि आसपास क्या चल रहा है। ऊ का मतलब है स्वप्न, यानी आप अपने अंदर झांक सकते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। माँ का मतलब है सुषुप्ति, सुषुप्ति यानी डीप स्लीप स्टेट, जब आप अपने एक्सटर्नल रियलिटी और इंटरनल रियलिटी को मिला देते हैं तो वो सुषुप्ति कहा जाता है। और इन तीन स्टेज के बाद चौथी स्टेज आती है तुरिया, जहाँ पर आप अवेकन हो जाते हैं। अवेकन सिर्फ शरीर से नहीं, अवेकन आत्मा से भी। आप अल्टीमेट रियलिटी देख सकते हैं और प्योर कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, यानी कि आपका सब कॉन्शियस माइंड भी कॉन्शियस हो जाता है। जो ज्ञान जो अंदर दफना हुआ था, जो ज्ञान जो साइंस के हिसाब से सब कॉन्शियस माइंड में होता है, वो अनलॉक हो जाता है और वो आपकी सब कॉन्शियस माइंड में आ जाता है, और आप समस्त ब्रह्मांड को जान पाते हैं और आप मोक्ष की राह पर और आगे बढ़ते हैं। यानी आपकी आत्मा ब्रह्मांड से मिल जाती है, और आप जो अब अपने अंदर आत्मा देख रहे थे, अब आपको अपने अंदर पूरा ब्रह्मांड देख सकते। तो अगर आपको भी स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ना है तो मैंने जो भी इन उपनिषदों से निकाल के आपको बातें बताई वो ज़रूर फॉलो करिए। और अगर आप ये सारी बातें फॉलो करेंगे तो यकीनन आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर बहुत आगे पहुँचेंगे, और आप रियलाइज़ करेंगे कि आपके अंदर कितना पीस है, और आप बाहर चल रहे कियोस से अपने अंदर की शांति को भंग नहीं करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ इस स्पिरिचुअल जर्नी पर और आगे बढ़ना चाहेंगे। उसके लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको और क्या जानना है, और ये वीडियो आगे शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और आज का आखिरी शब्द है ओ।